काम किया है इसको पिंकी जी इधर आ जाइए साइड में इधर आ जाइए आप भैया आराम से माथा टिकवा दीजिए वहीं पर ही उनका किसी ने जोत भी चलवाई थी क्या बालाजी के बाद जलाते जोत जलाते मंदिर बोल आवाज नहीं है बोल खड़ी हाई स्कूल बालाजी गए थे बोल रहा था मुख से बोला तो पूछ लेकिन किसके साथ गए थे भगत जी के साथ गए थे तो उन्होंने क्या कहा ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी कितने दिन चल रहा अरे बोलिए मत बोलिए मत ऐसे होता जैसे बोल रहा है तीन साल से बहुत ज्यादा वैसे कई साल हो गए इनको बहुत प्रॉब्लम है डॉक्टर उक्टर कोई इलाज नहीं होता चक्कू कहाँ है चक्कू में यही था चक्कू कहाँ है माँ यही काटा था यही ये उठाइएगा ये पॉलीथिन आगे खसका दीजिए भैया तेल बंद कर दीजिए इनको आगे खसका दीजिए खोल दीजिए मिट्टी को खोलिए भैया जकराम मेरे कोट बंगाल का बोल चाचे दरबार की जय जकाराम मेरे कोट बंगाल का साचे दरबार की जय जकारा मेरे कलकत्ते धाम का बोलो साचे दरबार की जय नो क्या बच्ची का पिंकी जी पिंकी गोत्र गोत्र कोशिश इनका जी आपका हमारा कोशिश बार बोल
कौशिक कोशिश बार बोल कोशिश करा मेरे कोट बंगाल को बहु साचे दरबार की जय। की भेंट भी तो आई थी क्या भाई? हम माता पे गए थे उन्होंने जो बोला था वो हमने कर दिया। वहाँ नंबर नहीं पड़ रहा हमारा कल भी सारा दिन धक्के खाए पिछले शनिवार शमशानों में दुआ था तो वो दुआ दिया था बाकी नंबर नहीं पड़ रहा थी धक्के खा के कोई बात नहीं भैया देखते हैं कोई लेडी जा कैसे उनको धक्के मार मार कैसे किस कोई वो नहीं कल भी वहाँ बेची आई थी बोलो उन्होंने कुछ कर दिया मेरे ख्याल में बंद कर दिया हम तो बहुत वो गए जिनका प्रॉब्लम है उनको सुन लो मतलब कोई फिर सुबह बात की थी हमने बैठियो बच्चे बेटी बैठो बैठा दीजिए भैया सारा पता सर पे पल्लू डाल दीजिए दुपट्टा संसार में दी थी हाजिरी हाँ सुन सुन दे जो बताऊँ सारी कर दी फोन बज रहा है क्या बताओ मत बोलो ना मैं अपने आप बताऊं आप मत बोलो नहीं आप ठीक आ गए मेरा सर आ गया मत बोलो अच्छा सुबह आप ही से बात हुई थी मेरी जयकारा मेरे कोट बंगाल बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे कलकत्ते धाम का बोल साचे दरबार की जय। वहाँ पे सी काफी समय तक चली है बच्ची में सिर पे पल्ला रख बेटा घोसला बिल्कुल ठीक होगी चिंता मत जयकारा मेरे कोट बंगाल का बोल साचे दरबार की जय। शाम लगानी है ठीक है ये तबीज लगातार तीन दिन तक बच्ची के ऊपर गुबार के जलानी है बेटा राम राम से बोल दो मैं फिर भी ना बोलने दीजिए भैया धीरे धीरे कर लो माँ ने बोला है धीरे धीरे कर लो तबीज पानी में डाल के ये तबीज तागिये में गले में धारण करा ये दो चीजें हैं एक चीज ये बेटा मैं बता देती हूँ ठीक है एक औरत है और एक आदमी है जो इसके साथ बच्ची के साथ चल रही है ठीक है बेटा अपने पूरे परिवार का नाम और
पूरे परिवार का, फैमिली का नाम बोलिए अपना, बच्चों का, सबका, आप से लेकर पिताजी का नाम अपना। पिताजी का नाम सुंदरलाल जी, मेरा विनोद कुमार जी, ब्रास गाँव के वैसे करनाल, 20 साल से करनाल रह गए। शादी गाँव में हुई थी। बेटा संकट तो बहुत पुराना है, ये पुराना संकट नहीं है, ठीक है। कभी तो शांत हो जाएगा अपने आप, कभी उबारा ले देगा, ठीक है बेटे। जकरा मेरे कोट बंगाल का, दरबार की जय। करनाल में कितने समय से रह रहे हो बेटा? 20 साल हो गए। ये संकट पीछे से चला है बेटा, और ये चलवाया गया संकट है, ये खुद नहीं लगा है। कहां से चला है? आपके खेड़े से चला है ये संकट। अच्छा, ठीक है। कभी सोचो यहाँ करनाल से है, पीछे से हमारे गांव से, हाँ वहां से संकट चला है। बेटे नू नहीं, मैं देखो किसी का नाम बता सकती, लेकिन संकट वहां से चला है ये, ठीक है। ये पेशी अपने आप तेज हो जाती है, अपने आप धीमी पड़ जाती है, ठीक है। ऐसा तो लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़े समय में सब कुछ भंग। बेटा सत्य बोल रही तो उसकी हाँ भर ना, ठीक है, ठीक है ना बेटा। सिर पे भारीपन महसूस होता है, आंख ऐसे हो जाती है जैसे लिकड़ेगी, जड़ लगती है आंखों के अंदर। बोलो मेरे कोट बंगाल की जय। एक बात बताओ, छोटा बच्चा किसको दिखता था भाई? मेरे को दिखा माता जी कई बार। बेटा तेरी बाजू में भी दिक्कत हुई थी? बाजू में इला माता जी बहुत ज्यादा, जब संकट आया बहुत इला है। आधी बाल उठाने में भी दिक्कत होती है क्या इसको? दिक्कत हुआ माता जी बहुत। देखने में ठीक है, एक रुक के पका सकते हैं। बिट्टा उपकाई भी आवा है बहुत आवा माता जी, संकट आने से पहले, उसके बाद संकट शुरू होता है। हाँ जी, जयकारा मेरे कोट बंगाल का। भाई ये जागरण दिख रहा है, किसने बोल रखा है जागरण? मना बोला था माता जी, एक बार अगर हमारा 32 सेक्टर में घर बन गया तो मैं करूंगी, बिकेगा बेटी, लेकिन वो संकट तो नहीं बाह छुड़न दे रहा था री, वो तो वही जकड़ो बैठा है। फिर वो काम तो बेटा आधा हो गया, आधा रह रहा है, ठीक है। वो बेटा काम संपूर्ण हो जाएगा, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। करवा दो बस। जयकारा मेरे कोट बंगाल का, बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे कलकत्ते धाम का, बोलिए साचे दरबार की जय। एक कर बच्ची और हाजिर लिखो बेटा, एक कहां है पेन कागज, ये पकड़ो, खड़े मत हो बेटा, दरबार में बैठ, मेरे को बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। माँ वो तो बस वालों को खड़ा करवाया था ना, वो है वो। नहीं बुलाऊंगी मैं बुलाऊंगी घर में कुछ है इसमें, अब बस वो इसी का काम, इसको बेच रहे लिखो बेटा। हाँ जी मामा, राम राम। दो शेर पीड़े बात नहीं हो पाई, दवा चल रहा है, कल बात, कल बात कीजिए। दो मिट्टी के पुतले, सात नींबू, सात सुई, और बच्चे के सिर से लेके पांव तक नाप के सात दूरा धागा, ठीक है बेटा।
सात तरह की मिठाई ठीक है और चौमुखा दीप, ये बच्चे के ऊपर को सात बार वार के बेटा, इसको चौराहे में या शमशान में या किसी मंदिर में रखवा देना। मंदिर में रखते हैं? हाँ, माँ भद्रकाली के मंदिर में रखते हैं। शनिवार के शाम के टाइम पीछे मुड़ के लखाना नहीं, चुपचाप आना है, चुपचाप जाना है। बच्चा सिर्फ तेरे ऊपर से वार के ले जाएगा, ठीक है? ठीक है, चुपचाप आना है बेटा, चुपचाप जाना है, सिर पे वस्त्र होना चाहिए। ये कर्म करो आपको बेटा आराम होगा और मकान आपका बिक जाएगा। जल्दी से बच्चों, माँ तो बहुत टेंशन हो रहा है। जयकाराम मेरे कोट बंगाल का, साचे दरबार की जय। चिंता ना करे बेटे, जोड़ी करो जी, जोड़ी करो या फेरिया भरो बेटा अपनी, लगातार फेरिया भरो, सात फेरिया भरो मेरे दरबार में, सब काम पहले संकट दिल से शुरुआत हुई है, पहले मैं तेरा बदन कर, ठीक है ना बेटा, फिर बच्चों बेटी जब तेरे मन में कोई दिन नहीं है, विश्वास रखेंगे तो सब हो जाएगा, सब कुछ जयकारा मेरे कोट बंगाल का, साचे दरबार की जय। बेटा जी तो खुद ही नहीं, माता जी मैं विश्वास करके आई, आप छोड़ दे सब, संदेह करेगी नहीं, माता जी विश्वास करके आई। जयकारा मेरे कोट बंगाल का, बोलो साचे दरबार की जय। सब कार्य संपूर्ण होंगे बच्चा, आप खड़े हो जी, खड़े हो, शाबाश, मत्था टेक लीजिए, मेरे पेड़े देख ठीक चलो।